प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जो कि आगामी 14 अप्रैल तक बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठ रहे थे कि क्या 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दोबारा से शुरू होगी या ऐसे जनरल प्रमोशन के द्वारा सभी को पास मान लिया जाएगा। तो कई तरह के विद्यार्थियों के फ़ोन भी मेरे पास में आ रहे थे बार बार कि सर क्या होगा, परीक्षाएं दोबारा होगी या ना होगी, इसके लिए हम तैयारी करें या ना करें। तो ऐसी स्थिति को मैंने भांपते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल से बात करी है, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको ये सुना रहा हूँ। तो आप सुन के आप खुद समझ जाइए कि आपकी परीक्षाएं होंगी या ना होंगी। कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा। तो मैम, इस स्थिति में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है 10वीं और 12वीं की, उसमें 10वीं का एक पेपर बचा हुआ है और 12वीं के भी दो दो तीन तीन पेपर बचे हुए हैं। तो मैम, ये दोबारा से होंगे या मतलब इनको वैसे ही पास मान लिया जाएगा? देखिए, अभी जनरल प्रमोशन के लिए आता बच्चे हमसे बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम, जनरल प्रमोशन की अफवाहें भी कुछ व्हाट्सएप पे चल रही है, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स कॉल मेरे पास में आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने कॉल करके जानना चाहा। तो ये जो जनरल प्रमोशन वाली, क्या मैम आप क्या करते हैं? जी मैम, मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं जी मैम। राजेंद्र जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देती हूँ। जी, 14 अप्रैल तक जैसे आपको पता चला होगा कि पूरे देश में लॉकडाउन है। जी, लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सारे जो है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह सभी अभी लॉकडाउन है, बंद है। जी मैम, इसी के रहते अभी जो मंडल ने यही सूचना या यही घोषणा की है, आप लोगों के जो पेपर्स हैं, होने वाले बचे हुए पेपर हैं, वो 14 अप्रैल तक स्थगित किए गए हैं, काफी निरस्त किए गए हैं, स्थगित किए गए हैं। लेकिन आगे हालातों को देखते हुए यदि COVID-19 ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, हो सकता है लॉकडाउन की स्थिति को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जी 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 मैम, लेकिन अगर स्थिति सामान्य होना शुरू होती है तो मंडल ही डिसाइड करेगा कि आप लोगों को जनरल प्रमोशन दिया जाए, आप लोगों के पेपर्स लिए जाए, या आप लोगों का किस तरीके से एग्जाम्स को वो फॉलो करेंगे, किस तरीके से आपके एग्जाम शेड्यूल बनाएंगे, मंडल ही बाद में डिसाइड करेगा हालातों को देखते। अच्छा, तो मैम अगर ये हालात अगर ऐसे ही बने रहते तो जनरल प्रमोशन भी हो सकता है ना? हाँ, ये मंडल निश्चित करेगा, इस चीज के लिए मंडल भी डिसाइड करेगा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो बच्चों को जो है वो जनरल प्रमोशन के लिए उसके विचार विमर्श कर सकते हैं। अच्छा जी जी मैम, तो बस ये जानना चाह रहा था। और अगर मैम ये जानना चाह रहा हूँ कि कई बच्चों के फोन कॉल्स आते रहते हैं, वो बोलते हैं सर हम स्टडी जारी रखे या बंद कर दे, तो इस तरह के, तो अभी उनके लिए कुछ सुझाव मैम? देखिए, बच्चों को बोल ये कि वो बिल्कुल अपनी स्टडी जारी रखें, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, नॉलेज ही मिलेगा उनको, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनसे ये भी बोलिए कि स्टडी होने के साथ साथ कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं, अपने घर में रहकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोशिश ये करें, सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए अपने और अपनी फैमिली के कुछ लोगों से भी जो इन्फेक्टेड हैं या कुछ लोग जो बीमार हैं। और साथ साथ में उनको यही बोलिए कि आप कुछ भी अपना क्रिएटिव वर्क जो है वो अपने घर में करें, मैनेज ना हो एजुकेशन को लेकर, क्योंकि अभी देश को, राज्य को, लोगों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी। जी 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 मैम, एग्जाम्स तो ऐसे हैं, जैसे अगर सभी चीजें सामान्य रहेगी तो एग्जाम भी अच्छे से हो जाएंगे बच्चों के, उसके लिए भी ज्यादा उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मंडल है ही बच्चों के वेलविशिंग के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मंडल बैठा ही हुआ है, तो उन्हें बोलिए कि बिल्कुल चिंता ना करें। जी मैम, और एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, तो मैम ये कितनी संभावना है कि मतलब परीक्षा दोबारा से हो सकती है इनकी? देखिए, ये मैं भी इस संभावना को आपको क्लियर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मंडल ही सुनिश्चित करेगा, और जो भी जानकारी होगी रविंद्र जी वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से अपडेट डाली जाती है। तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से भी अपडेट ले सकते हैं, न्यू अपडेट ले सकते हैं। साथ साथ में हेल्पलाइन नंबर जो आपके लिए सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक खुला है, आप यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ से भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मीडिया में जो अफवाहें जो फेक न्यूज बताई जा रही है, उससे पहले आप बेटर ये है कि मंडल में मंडल की जानकारी ले लें, उसकी साइट पे जाके हेल्पलाइन नंबर पे फोन लगा दीजिए। जी 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 मैम, ओके ओके मैम, ओके
धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने कि अगर भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति 14 अप्रैल तक ही रहती है तो आपकी बोर्ड परीक्षाएं दोबारा से होने की पूरी संभावना है, और अगर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति को 14 अप्रैल के बाद में और बढ़ा दिया जाता है तो इसके ऊपर शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी अधिकारी मिलकर और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी अधिकारी मिलकर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद में फिर आपको वो जनरल प्रमोशन के माध्यम से भी सभी को पास मान सकते हैं। पर ऐसी स्थिति कभी तभी होगी जब कि लॉकडाउन की स्थिति 14 अप्रैल से और बढ़ाई जाती है। मेरी तो यही सलाह है कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें, और अगर जब भी आपका जनरल प्रमोशन किया जाएगा तो आपको टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चल जाएगा। व्हाट्सएप पर वायरल होने वाली झूठी खबरों के चक्कर में ना आए। इसी के साथ मैं आपसे वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।